Dear students of class 10th, today's topic is Mendeleev's periodic table. तो वो दो पहले हमने explain किए हैं Robinor's periodic law या Robinor's periodic और Newland's law of octaves. उन्होंने पहले आज तीसरा scientist जिसने इस पर काम किया था that is Mendeleev. और यही Mendeleev's period a Rhaetian scientist. Mendeleev was a Rhaetian chemist. ये मेंडलीव जो है ये रेशिया का रहने वाला था रेशियन केमिस्ट था इन 1869 रेशियन केमिस्ट इन 1869 मेंडलीव गेव ए पीरियड लॉ 1869 में इसने एक लॉ दिया है जिसको कहते थे मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ एंड दिस लॉ स्टेट्स दैट इस लॉ का मतलब क्या था The properties of elements are a periodic functions of their atomic masses. ये इसने ला दिया है ये जो properties of elements है these are the periodic functions of their atomic masses. ये उनका atomic masses जो है इन elements का ये उनकी periodic functions है इससे ये explain हो जाता है and he says this periodic law means इसका मतलब क्या था इसके इस periodic law देने का क्या मतलब था that if elements are arranged in the order of increasing when we arrange the elements jab hum elements ko arrange karenge jab hum elements ko rakhenge on increasing order of atomic masses then the properties of elements are repeated ye elemento ki property jo hoti hai ye repeat ho jati hai after regular intervals ke baad jis tarah Newland ne bataya the octaves ka मामला कि आठवें एलिमेंट की ये प्रॉपर्टी रिपीट होती है फर्स्ट एलिमेंट के साथ तो इसी तरह इसने भी बताया कि ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स है दीज आर बीइंग रिपीटेड ये रिपीट हो जाती है आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स व्हिच वी कॉल्ड पीरियड्स इन हिज पीरियडिक टेबल मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल में ऑल द देन नोन एट दैट टाइम व्हेन मेंडलीव स्टार्टेड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स एट दैट टाइम देयर वाज 63 एलिमेंट्स नोन 63 एलिमेंट्स उस वक्त एलिमेंट हुए थे इतने एलिमेंट्स वेयर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और इसने इन 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया है कंप्लीटली ही अरेंज्ड द देन नोन 63 एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस इन हॉरिजॉन्टल रोज इसने क्या किया है इसने अपने पीरियड टेबल में रोज बनाए हॉरिजॉन्टल रोज इन सच ए वे इस तरह इसने हॉरिजॉन्टल रो बनाए हैं इन सच ए वे दैट द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज और जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती थी फॉल अंडर द सेम वर्टिकल ग्रुप वो वर्टिकल ग्रुप में सेम वर्टिकल ग्रुप में आते थे तो ये दो चीजें इसने हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स डेवलप किए हैं अपने पीरियडिक टेबल में तो द सिमिलर प्रॉपर्टीज यूज्ड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स इन द ग्रुप वेयर द सिमिलर फार्मूला ऑफ देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की फार्मूला उसके साथ सिमिलर होती थी तो इस तरह इसने ये बनाए ये हॉरिजॉन्टल रोज और तो अब हमें लेना है कि ये जो मेंडलीव ने ये पीरियडिक टेबल बनाया है जिसमें इसने हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स और ये भी बताया है कि आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर बीइंग रिपीटेड तो हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल रोज एंड हाउ मेनी वर्टिकल कॉलम्स आर बीइंग developed by the Mendeleev to classify the elements. At that time, he made the seven horizontal rows, which were further subdivided into A and B. There were seven horizontal rows in the Mendeleev's periodic table, which were further subdivided into A and B. उस हर एक पीरियड के दो हिस्से इसने किए हैं ए पार्ट एंड बी पार्ट हर एक ग्रुप में इसने जो वो जो एक स्लॉट बनता था उस स्लॉट में उसने उस स्लॉट को दो हिस्सों में डिवाइड किया है ए और बी में एक स्लॉट जिस तरह एक स्लॉट बनता था उस स्लॉट में उसने क्या किया या इसने उसमें ए और बी ये दो हिस्सों में डिवाइड किया इस ए हिस्से में भी एक एलिमेंट को रखा और बी हिस्से में भी एक एलिमेंट को रखा तो इसी को हम कहते हैं सब डिवाइडेड दीज हॉरिजॉन्टल रोज विच वी कॉल्ड पीरियड्स देयर आर सेवन पीरियड्स इन द मेंडलीव्स पीरियड एंड ईच ऑफ देम आर सब डिवाइडेड इनटू ए एंड बी वर्टिकल कॉलम्स आर
हॉरिजॉन्टल रोज ग्रुप्स, वर्टिकल कॉलम्स आर ग्रुप्स जो, और कितने वर्टिकल कॉलम्स इसके पीरियडिक टेबल में, देयर वर 8 ग्रुप्स इन द मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल. आउट ऑफ दीज 8 ग्रुप्स, ये जो मैंने आपको बताया है, ये 8 ग्रुप्स जो इसने बताए, इसमें जो मैंने ये डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स ए एंड बी, जो ए एंड बी में, इसमें इसने कितने ग्रुप सब डिवाइड किए हैं, 7 ग्रुप सब डिवाइड हुए हैं. 7 ग्रुप जो पहले 7 ग्रुप्स हैं उसमें ए और बी सब ग्रुप है, लेकिन आठवां ग्रुप जो है इसमें देयर वायर ओनली 9 ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो ये मैं आपको थोड़ा बहुत इसका टेबल भी बताऊंगा, उसका टेबल ये बना हुआ है, ये टेबल है. इस टेबल में इसने ये जो है इस तरह जो बनाए हैं इसने, दीज वायर हॉरिजॉन्टल रोज 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये 7 हॉरिजॉन्टल रोज इसने बनाए हैं. तो ये 7 हॉरिजॉन्टल रोज जो इसने बनाए हैं और खड़ा इस तरह जो बनाए हैं वर्टिकल कॉलम्स, तो इन वर्टिकल कॉलम्स में इसने 8 वर्टिकल कॉलम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इन 8 में से 7 को सब डिवाइड किया हुआ है. इसमें भी सब डिविजन हुआ है, मतलब ए और बी, तो सिर्फ ये लास्ट वाला जो है इसमें कोई डिविजन नहीं है, इसमें सब ग्रुप्स नहीं है. ये 7 वाले 7 ग्रुप जो पहले 7 ग्रुप है ये सब ग्रुप्स है, इनके सब ग्रुप्स है, लेकिन 8वां जो है इसमें सिर्फ 9 ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, 3, 3 और 3, इसमें 9 एलिमेंट्स है. तो ये इसका ये पीरियडिक टेबल है. तो मेंडलीव ने, और इसने क्या, इसके अलावा उसने वर्टिकल का, इसने क्या किया, इसका ये जो पीरियडिक टेबल है मेंडलीव का, इस पीरियडिक टेबल में इसने जगह, या इस पीरियडिक टेबल में नोबल गैस वायर नॉट नून एट दैट टाइम, उस वक्त नोबल गैस को इजाद नहीं किया गया था, लेकिन मेंडलीव पीरियडिक टेबल में वो जगह थी. अगर कोई भी नोबल गैस इन्वेंट हो जाता तो उनके लिए उसने वहां जगह रखी. दीज नोबल गैसेस कैन बी अकोमोडेट इन द मेंडलीव पीरियडिक टेबल, उनको हम इस मेंडलीव पीरियडिक टेबल, देयर वायर स्पेस फॉर द फॉर दीज नोबल गैस, तो उनके लिए भी उसने स्पेस वहां रखी थी. या और कोई भी अगर कुछ एलिमेंट्स या इजाद होते तो कहीं कहीं उसने जगह रखी थी उनके लिए. तो इस तरह इस मेंडलीव ने अपना ये पीरियडिक टेबल डेवलप किया है, जो बहुत टाइम तक चला, या बहुत वक्त तक ये इसका पीरियडिक टेबल या कारगर साबित हुआ. तो इस पर ये क्लासिफिकेशन जो थी इसकी, तो ये कामयाब कुछ हद तक रही इसकी, या मेंडलीव मेंडलीव की ये क्लासिफिकेशन कुछ हद तक कामयाब रही. तो अब इसमें मेरिट्स क्या थे, जो इसका ये पीरियडिक टेबल है इसमें क्या मेरिट्स थे और इसमें क्या डिमेरिट्स थे. इसमें मेरिट्स भी है, इसमें डिमेरिट्स भी है. तो अब हम पहले इसके मेरिट्स लेंगे, इसके पीरियडिक टेबल की मेरिट्स. हाँ, मेरिट्स, तो पहला मेरिट है इसका मेंडलीव का, होल स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, जो ये होल स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, इट वाज सिस्टमैटिक. और ही सेज दैट द न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड इन फ्यूचर, न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड इन फ्यूचर. इसने क्या बताया है, इसने ये पॉइंट बताया, ये मेरिट है कि इसने बताया है कि इस वक्त 63 एलिमेंट्स नून है, इजाद हुई है, लेकिन और भी एलिमेंट्स इजाद इन फ्यूचर होंगे. और ही विल प्लेस अ गैप, ही विल डेवलप अ गैप फॉर सच एलिमेंट्स इन हिज पीरियडिक टेबल. तो ये एक पॉइंट इसने बताया है. दूसरा पॉइंट इसने बताया है कि द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स बिकॉज देयर वर सम गैप्स बिटवीन, वो ये पहला. दूसरा, ही प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल एलिमेंट्स, ही प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज of
several elements. He predicted the properties of several elements on the basis of their position. On the basis of their position in the periodic table. He predicted. उसने ये भी predict किया है. He predicted that the properties of several elements, बहुत सारे element की properties, on the basis of their position, कि उनकी क्या position है periodic table में. उस पर इसने prediction की है अपने periodic table में. ये भी एक minute था. और एक मिनट था इसके पीरियडिक टेबल में. The noble gases could be accommodated when they were discovered. तो और क्या चीज इसमें अच्छा है कि नोबल गैसेस कुड बी अकोमोडेटेड. कुड नोबल गैस जिस वक्त भी इजाद होंगे वो इसके इस पीरियडिक टेबल में अकोमोडेट हो सकते हैं. उनके लिए जगह इसने रखी है. तो ये थे इसके पीरियडिक टेबल के कुछ मेरिट्स. तो अब इसके डिमेरिट्स भी है. डिमेरिट्स भी है बहुत सारे इसके. तो डिमेरिट्स क्या है? डिमेरिट्स इसके पीरियडिक टेबल. अ करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कुड नॉट बी एक्सप्लेनड. ये एक डिमेरिट है. द करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कुड नॉट बी एक्सप्लेन. तो इसके इस पीरियडिक टेबल में ये जो हाइड्रोजन की पोजीशन थी दैट वाज नॉट प्रॉपर. वो इस उसमें द करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कुड नॉट बी वो एक्सप्लेन नहीं होती थी जहां इसकी पोजीशन दी गई थी पीरियडिक टेबल में. ये एक डिमेरिट था. दूसरा डिमेरिट द सेकंड द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन. द पोजीशन ऑफ isotopes could not be. तो isotopes की position भी इसके periodic table में explain नहीं होती थी. ये भी एक demerit था. Wrong order of atomic mass of some कुछ element. Wrong order of atomic masses. Atomic masses of some elements could not be explained. तो कुछ wrong order लगा इसके इस periodic table में. कुछ एलिमेंटों का जो एटॉमिक मास ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास था वहां कुछ इधर उधर हुआ है. मतलब कुछ ये रॉन्ग ऑर्डर लगा है. वो ये रॉन्ग ऑर्डर वो एक्सप्लेन नहीं होता था इसके पीरियडिक टेबल. रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन. वो भी इसके पीरियडिक टेबल में एक्सप्लेन नहीं होते थे. तो दीज आर सम डिमेरिट्स ऑफ दिस मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल. ये डिमेरिट्स थे इसके इस पीरियडिक टेबल में. हाइड्रोजन की पोजीशन एक्सप्लेन नहीं होती थी. आइसोटोपिक की पोजीशन एक्सप्लेन नहीं होती थी. कुछ रॉन्ग ऑर्डर लगा है. कुछ रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स कुड नॉट बी. तो रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स वो भी एक्सप्लेन नहीं होता था. दीज आर सम डिमेरिट्स ऑफ दिस मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल. देयर आर मेरिट्स एज वेल एज डिमेरिट्स इन द मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल. तो ये मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल जो था तो ये कुछ देर तक ये रहा. लेकिन बाद में इसके बाद ये भी नल एंड वाइड हुआ. व्हेन मोस्ले एंड बोर डेवलप ए मॉडर्न पीरियडिक टेबल. तो जब मॉडर्न पीरियड तो फिर ये इस मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल जो है ये नल एंड वाइड हो गया. तो
आज भी जो चल रहा है, जो आज के जमाने में जो पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ दिस एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियडिक टेबल जो है दैट इज मॉडर्न पीरियड, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियडिक टेबल, तो वो मोस्टली बोर ने बनाया है, तो उन्होंने बाद में इस पर काम किया है, तो जब उन्होंने वो डेवलप किया है फिर इसका ये पीरियडिक टेबल या ये नल एंड वॉइड हो गया है। थैंक यू।